खान जिन खुशियों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिस ईमान के साथ जिसका आगाज़ हुआ है, जिस पे तेरी ब्लेसिंग हो, हम खुदा दुआ करते हैं कि तू उन सब की ज़िंदगी का शुरू और आखिर हो। एक एक के साथ वो तमाम सियासी, समाजी, मजहबी लोगों के लिए दुआ करते हैं कि तू इन सब को बड़ी बरकत बख्श। हमारी दुआ को सुन, कबूल कर, तेरे नाम से मांगते हैं। जी खुदा में आप सबको की शांति हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहानाबाद में, और यहानाबाद का ये जो पोर्स इलाका है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट है पूरी ना, और यहाँ पे अभी अभी एक स्टूडियो का आगाज हुआ है MHI, और ये बिल्कुल क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल सामने है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो ओनर हैं नसर अनूप गिल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके उस्ताद भी मौजूद हैं। तो नसर जी, आप हमें ये बताएं कि आपने ये जो बिजनेस है इसको आज स्टार्ट किया, और उसका बाकायदा तौर पर जो है वो इफ्तिताह हुआ, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस बिजनेस को आप किस तौर से आगे लेकर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये बहुत कोशिशों के बाद ये मौका मुझे दिया, ठीक है। और मेरा ईमान ये था कि खुदा की जब मर्जी होगी तब ये पूरा होगा। मैं खुदा से यही ख्वाहिश जाहिर करता हूँ, खुदा ने इसको जितना बढ़ा सकता है बढ़ाया, ठीक है। और मैं अपने इलाके की खिदमत और मिनिस्ट्रीज की चर्चेज की खिदमत इस प्लेटफॉर्म से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपने एक तो फोटो स्टूडियो बनाया है और स्टेशनरी शॉप भी है। यहाँ पे आप बेशक तस्वीरें बनवाएं, लेकिन अपने बच्चों के लिए यहाँ से जो पेंसिल शॉपनर है वो भी खरीदें। तो आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया, भाई साहब ने बाकायदा तौर पे दुकान का जो है वो इफ्तिताह किया, उन्होंने फीता काटा। तो भाई साहब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपनी नेक तमन्नाएं और अपने जो अपने ख्यालात का जो इजहार है वो किस तौर से इस बिजनेस के लिए करते हैं। सबसे पहली बात है कि मैं भाई नासर को मुबारकबाद देता हूँ, और उसके बाद उनके उस्ताद को भी कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है। और उसी ही होते हुए ख़ास तौर पर कलाम खुदा में लिखा है ज़बूर नंबर 112 में कि हर एक ईमानदार सच्चाई से रास्ते से वो कारोबार करेगा, काम करेगा। तो मैं ज़रूर भाई नासर को ये तकलीफ भी करता हूँ, और ख़ास कलाम खुदा की ये आयत जो है इनके लिए रखता हूँ कि सच्चाई से कारोबार करेंगे, वफादारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो मेहनती के हाथ को खुदा दौलतमंद बनाएगा, बेशक ऐसे ही। और ये दुकान, ये कारोबार इनके खानदान के लिए, घराने के लिए बहुत बरकत रहे और इसमें कमी ना हो। अगर ये मेहनत करेंगे तो मेरा ईमान है कि इससे बड़ी दुकान जो है इनके पास होगी, हमेशा खुदा इनको अपनी बरकतों से बिल्कुल ऐसे ही। अभी हमारे साथ नासर हनूक साहब के उस्ताद मोहतरम जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो सर जी, हर एक उस्ताद की एक ख्वाहिश होती है तो जो उसका शागिर्द है वो मतलब तरक्की करे। आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो शागिर्द है इस बिजनेस को किस तौर से अपने लिए और अपने खानदान के लिए और आपके नाम को आगे बढ़ाने का जो है वो किस तरह से वसीला बन सकता है? ये बड़ी खुशी की बात है कि ये मेरा दूसरा स्टूडेंट है जिसने अपना काम शुरू किया। इससे पहले इमरान था जो कि अनब रोड पे उसकी दुकान है, दूसरी दुकान ये नासर की है, और नासर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसने बहुत सारी चीज़ों को बड़ी एफर्ट की इसने, और ये आज ये कामयाब हुआ। इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये कामयाब हुआ है, और इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करें, अपने नुकसान को थोड़े से नुकसान को बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा लेकिन फायदा उससे डबल होगा, और इसी तरह ये काम दिल लगा के करें और यकीनन ये कामयाब होगा। जिस तरह इसने इतनी एफर्ट की ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये थोड़ा सा दिल लगा के काम करेगा तो ये मजीद आगे बढ़ सकेगा और बढ़ेगा, और ये हमारी दुआएं के साथ है। इसे किसी भी चीज़ की जरूरत हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, कोई भी मसायल हो, नहीं हम शेयर कर सकते। नाज़रीन, अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, अगर सर आप भी अपने ख्याल के इजहार करना चाहें, एक तो नासर साहब के लिए और दूसरा उनके बिजनेस के लिए। सबको सलाम, मैं नासर अनूप साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ करूँ कि खुदावंद इसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। आमीन। यीशु के अजीम जलाल काले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, और खास तौर पर इस मौका पर
भाई नासिर को दिली मुबारकबाद देते हैं उनके सारे कारोबार के लिए और दुआ को हूँ कि खुदा उनके कारोबार को इससे ज्यादा हाथों में लेकर जाए और बढ़ाए और वो सच्चाई के साथ इस कारोबार में खुदा उनके साथ साथ यीशु मसीह के अजीम और खातिर में आप सबको सलाम। आज खुशी की बात है कि हमारा भाई और जो एक नौकरी के लाने से निकल के अपने बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, खुदा इसको और बहाल करे और इस जो दुकान है इसको भी बरकत दे और जो कस्टमर है उनको भी बरकत दे और खुशूस इस शॉप पे खड़े होके इस काउंटर पे खड़े होके उसको एक मसीही वैल्यू के साथ कस्टमर्स को डील करने की हिम्मत मिले। जी नाज़रीन, अभी आपने सारी बातें सुनी और जितने मेहमान आए थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो ये पैगाम जो है ये इस तौर से नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचता है कि जब हम कोई भी कारोबार करते हैं अगर हम उसे खुदा के नाम से शुरू करते हैं और खुदा के खादमीन को बुलाकर उस काम का उस कारोबार का जब हम आगाज़ करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी गवाही की बात है और एक खुशी की बात है कि वाकई हमारा खुदा चाहता है कि हमारे जो लोग हैं वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने भट्टी साहब की बात सुनी कि हमारे जो लोग जो हैं वो नौकरी की लालच से निकल के अपना कारोबार करें, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग इसी तरह से तरक्की करें और अपने कारोबार को अपने बिजनेस को जो है वो ज़्यादा टाइम दे सकें, अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर कर सकें, ताकि हम लोगों की गुलामी करने की बजाय अगर हम अपने बिजनेस करेंगे तो हमारी जो पहचान है बतौर मसीह वो किसी और ही तौर से लोगों के सामने नुमाया होगी। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा और इस बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये शॉप और इस शॉप के जो ओनर हैं नसर हनूक गिल साहब, उनका ये पैगाम है कि आप शादी जहाँ मर्जी करवाएं लेकिन वीडियो फिल्म हमसे बनवाएं। इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।